आंकड़े बन रहे थे एनसीपी में रातों रात, ऐसा क्या हो गया कि अजीत पवार समर्थन कर दिया? मुझे लगता है कि एक तो पहले से ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मित्र पार्टी आरपीआई और एनसीपी मिलकर सरकार बननी चाहिए, मतलब उसी तरह की बातचीत भी चल रही थी। लेकिन मतलब अचानक यहाँ हमें ऐसा भरोसा था कि भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी और ऑटोमेटिकली एनसीपी और बीजेपी एक साथ आएगी, तो अचानक मतलब कल रात को ये फैसला हो गया और आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं और यहाँ मतलब शिवसेना को मतलब बीजेपी ने लटका दिया है, कांग्रेस को फटका दिया है और एनसीपी को अपने जाल में अटका दिया है, तो मतलब एक अच्छा बात हुआ है। तो ठीक बात है, लोग चाहते थे कि भाई बीजेपी की सरकार बने, शिवसेना की सरकार बने, लेकिन शिवसेना ने एडमंट भूमिका ले ली और उसमें मतलब सीएम पद भी चला गया, बाकी के मंत्री पद भी चले गए, तो शिवसेना को बहुत बड़ा सबक सिखाने का जो काम है ये काम बीजेपी ने किया है। और मुझे हमेशा बोल रहे थे कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है। अमित शाह जी सच में चाणक्य है क्या? अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता था, लेकिन क्या वो सही में आज साबित कर दिए? हाँ, तो मतलब अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी चाणक्य मतलब है, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जी और पवार साहब की जो बातचीत हुई उसमें किसानों के सवालों पर तो बातचीत हुई, लेकिन उसी में शायद नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार जी को बताया होगा कि भाई आपकी आपकी पार्टी की भी एनडीए के लिए जरूरी है, फिर शिवसेना बाहर जा रही है एनडीए से, तो महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी हमारे साथ आनी चाहिए और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार साहब से बात की होगी, ये चर्चा आपकी चलने दो और अचानक ऐसा धक्का लगा हो कि पूरा देश एकदम चक्कर में आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि निर्णय बहुत अच्छा हुआ है और शरद पवार जी का अजीत पवार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शरद पवार जी ने नाराजगी जताई है, पूछा गया शरद पवार जी ने बोला है कि ये जो भी हुआ है, अजीत पवार जी ने जो भी किया है वो बिना मेरे कंसर्न का किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शरद पवार जी भी उस मीटिंग में थे, बिना उनके कंसर्न की ये बात नहीं हो सकती है। हाँ तो ठीक है, अभी क्या हुआ है, मैं तो दिल्ली में था, लेकिन अभी मैं कल मुंबई से जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का निर्णय हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के पास 120 एमएलए थे और बीजेपी ने सरकार बनानी चाहिए इसी तरह का मैंडेट था, शिवसेना ने साथ में आना चाहिए था, लेकिन शिवसेना में उल्टा डाव खेलने का काम किया, सीएम का आग्रह करते करते उन्होंने बहुत एक महीना लगाया किसानों के समस्या की तरफ खिलवाड़ करने का काम उन्होंने किया और शिवसेना के कारण ही सरकार इतनी लेट बनी। तो मुझे लगता है कि पहले से ही मतलब हमारी कोशिश थी कि भाई शिवसेना को बाजू में रखो और एनसीपी के साथ बातचीत करो, तो मैं शरद पवार जी को मिलकर भी आया था और शरद पवार जी के सामने मैंने भी प्रस्ताव रखा था कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि पहले बीजेपी शिवसेना को इकट्ठा करो, इनके लिए मैंडेट है, तो लेकिन वो दोनों एक साथ आए नहीं और संजय राउत ये बोलते रहे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। अभी कौन से जमाने में तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा डाव खेला है और शिवसेना को भारी सबक सीखने के लिए इस वक्त मिल गया है। आप लोगों को मालूम था कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी किसी भी? हाँ, मुझे मालूम था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन अचानक बनेगी मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ मतलब इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का चल रहा था और शायद एनसीपी भी राहत देख रही होगी कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो सरकार नहीं बनती है, तो फिर एनसीपी के लिए मार्ग खुला हो सकता था, लेकिन जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का निर्णय हो चुका है, अजीत पवार जी ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है, अभी शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी या सुप्रिया सुले जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, दो मंत्री उनके बन सकते हैं,